हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ठंड तो है ही है, खैर यहाँ पर तो कल हमने कवर किया था गरतांग गली और वहाँ के कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स थे। आज हम जाने वाले हैं यहाँ पर मंदाग्नी फॉल है, एक बहुत अच्छा फॉल बताते हैं, तो आज हम वहाँ जाने वाले हैं। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए, तो सब लोग रेडी हो रहे हैं आगे जाने के लिए। तब तक मैं चाय पी के फिर मैं वापस जाती हूँ, फिर मैं रेडी हो चुकी हूँ। चाय बनाना बढ़िया सी। फ्रेंड्स, आपको फैंसी रेस्टोरेंट्स तो नहीं मिलेंगे, मगर इस तरह के छोटे ढाबे और अच्छा खाना आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब शुरू होता है हमारा मंदाग्नी फॉल का ट्रैक। हम जा रहे हैं मंदाग्नी फॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये है रास्ता और ब्यूटीफुल घाटी है ये, एक छोटी सी। तो इस घाटी में से रास्ता निकल रहा है वहाँ पे कुछ लोग जद्दोजहद करते हुए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। ये मंदाग्नी फॉल का वाटर है। उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो लेस एक्सप्लोर्ड है, जो हम लोग जाते नहीं हैं, हम लोग देखते नहीं हैं, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो आप लोग आइए, बहुत अच्छी जगह है हर्षिल। हाँ, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, ज़्यादा नहीं, आपको बस एक दिन एक्स्ट्रा निकालना है, जो आप नैनीताल मसूरी जाते हुए टाइम लगाते हैं या जितना टाइम आप लेके चलते हैं, उससे बस एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए और आपको एक से एक ब्यूटीफुल नज़ारा देखने को मिलेगा। और लुक एट दिस, ना लोगों की भीड़, ना गाड़ियों का शोर, बस आपको सुनाई देगा झरने के पानी की ये प्यारी सी आवाज़। तो इसके लिए एक दिन तो बनता है एक्स्ट्रा, सच में बहुत खूबसूरत है। इससे पहले लोग यहाँ पे आगे कब्जा करें और जैसे नैनीताल और मसूरी को बुरी तरह से क्राउडेड कर दिया है, उससे पहले आके यार घूम जाओ प्लीज़, सच में बहुत प्यारी जगह है। पार करना है पुल तीन लकड़ियां हैं सिर्फ। वहां तक जाने में बस हमें एकमात्र यही एक हर्डल मिला था, जो कि इतना डिफिकल्ट नहीं था। डर था कि गिर गए तो बेइज्जती हो जाएगी, मगर गिरे नहीं। व्हाट माय डॉटर इज डूइंग। बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं यहाँ पे, बहुत सारी। ये गर्मी और लकड़ी का पुल हमने कर लिया है पार। अब मैं आपको दिखाती हूँ मंदाग्नी फॉल। ये वही मंदाग्नी फॉल है जो मूवी राम तेरी गंगा मैली हो गई देखी होगी, सभी ने देखी होगी, जिसमें मंदाग्नी वाइट साड़ी पहन के नहाई थी। तो इतनी ठंड में कैसे नहाई होगी यार, बहुत ठंडा पानी है और अच्छी खासी ठंड भी है। तो चलते हैं मंदाग्नी फॉल की तरफ। ये रहा पास में, ये दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, वेलकम टू द आइकॉनिक मंदाग्नी फॉल। ये है मंदाग्नी फॉल, यहीं पे मंदाग्नी ने स्नान किया था। तो आगे जाना है, अभी और आगे जाना है, हिम्मत नहीं हो रही, मिट्टी बहुत ज़्यादा फिसलन वाली है, गिरते गिरते बचे दो बार। ऊपर जाना है, उतना ऊपर जाना है, दो बार गिरते गिरते बची हूँ। चलो रिस्क लेते हैं। पहुँच गए हम मंदाग्नी फॉल, जहाँ तक जाना था वो रहा, जहाँ से आ रहा है फॉल। और लुक एट द फ्लो, दिस इज ह्यूज, एक्चुअली ह्यूज।
करते हुए फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदाकिनी फॉल। और वर्थ है, इतना आना गिरना सच में वर्थ है, माइंड ब्लोइंग। मंदाकिनी फॉल हमारा बहुत ब्यूटीफुल था, देखने लायक चीज़ है भाई, ज़बरदस्त चीज़ है, कलरफुल फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं वापस, अब हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे अभी बताऊँगी, पता चलेगा कहाँ जाएंगे, चलते हैं। गिर मत जाना, ट्रैक ख़त्म। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, हम करेंगे वहाँ से चेकआउट, उसके बाद हमें जाना है आगे उत्तरकाशी में, शायद हम लोग स्टे करें रात को। और बीच में एक है जो गर्म पानी का बताते हैं कुंड है, तो अभी हम वहाँ जाएंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे। और ये अच्छा रहा था, काफ़ी पथरीला ट्रैक है आप देख सकते हैं, तो वही बात है, पहली बात तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं ना तो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट योर स्लिपर्स, योर सैंडल्स, स्पोर्ट शूज़ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और कंफर्टेबल क्लोथ्स हो। मम्मी है हमारी वो गाड़ी में, हम उनको बिठा के आए हैं, तो वो नहीं आ पाई हैं क्योंकि बच्चे या फिर हम लोगों की एज ग्रुप के लोग ही यहाँ पे जा सकते हैं, पत्थर ज़्यादा है तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होती चलने के लिए, तो थोड़ा एजड लोग अवॉइड करें, और हिम्मत है तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा मैं सेफ्टी पर्पज़ से कह रही हूँ कि पत्थर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, थोड़ा पथरीला रास्ता है, अदरवाइज़ बहुत ब्यूटीफुल जगह है। लोग आपने देखा, ज़्यादा लोग थे नहीं, हमारे अलावा दो चार लोग और थे वहाँ पर, और ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर था।